तेजी से रेलवे ट्रैक की तरफ बढ़ रही गोला हल्द्वानी आने वाली 11 ट्रेनों के लिए खतरा। जी हाँ, हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि कुमाऊं के स्टेशनों की अगर हम बात करें तो रामनगर, हल्द्वानी और टनकपुर यहाँ के अंतिम स्टेशन हैं। इनमें सबसे ज़्यादा ट्रेनों का संचालन हल्द्वानी और काठगोदाम से ही होता है। कुमाऊं के व्यस्तम रेलवे स्टेशनों में हल्द्वानी प्रमुख है। इन दिनों लगातार पहाड़ों में बारिश हो रही है और पहाड़ों पर बारिश से गोला नदी का जलस्तर बढ़ रहा है। नदी का पानी तेज होने से हल्द्वानी रेलवे स्टेशन की जमीन पर लगातार कटाव हो रहा है। यह कटाव अब रेलवे ट्रैक के नज़दीक पहुंच गया है। इससे हल्द्वानी से गुजरने वाली 11 ट्रेनों के लिए भी खतरा पैदा हो गया है। हालांकि खतरे को भांपते हुए रेलवे प्रशासन ने रात में भी ट्रैक की मॉनिटरिंग शुरू कर दी है। सिग्नल ओके होने के बाद ही ट्रेनों को गुजारा जा रहा है। अगर हम साल 2021 की बात करें तो 19 अक्टूबर 2021 को गोला नदी में आए बहाव की वजह से काठगोदाम रेलवे स्टेशन के पास काफी नुकसान हुआ था। यहां सेटिंग लाइट का एक हिस्सा टूटकर गोला नदी में समा गया था। साल 2011 में आए तेज बहाव की वजह से हल्द्वानी रेलवे स्टेशन के ट्रैक 3 को काफी नुकसान पहुंचा था। इसके बाद रेलवे ने हल्द्वानी काठगोदाम स्टेशनों से ट्रेनों का संचालन भी बंद कर दिया था। हालांकि बिना सुरक्षा दीवार के ही काठगोदाम हल्द्वानी रेलवे लाइन है, क्योंकि गोला का जल स्तर बढ़ रहा है और काठगोदाम से हल्द्वानी रेलवे स्टेशन की दूरी करीब 5 किलोमीटर है। जानकारों का कहना है कि गोला नदी का बहाव बारिश के दिनों कभी भी बढ़ जाता है। बहाव ज़्यादा होने पर रेलवे संपत्ति को नुकसान पहुंचने के लिए खतरा होने लगता है। इसलिए गोला नदी के जिस जिस हिस्से में रेल पटरी के समीप है वहाँ सुरक्षा दीवार बनाना बेहद ज़रूरी है। सुरक्षा दीवार होगी तभी गोला का बहाव, गोला के कटाव को रोकने के लिए रेलवे ट्रैक के नीचे सुरक्षा दीवार लगाना बेहद जरूरी है। हाँ, कटाव जरूर इस तरफ को हो रहा है रेलवे ट्रैक को। पिछले साल भी इसका कटाव हुआ था तो जो लास्ट वाली रेलवे ट्रैक है उसमें संचालन में दिक्कत आ गई थी। इस बार पुनः कटान हो रहा है और कटान आगे बढ़ने की भी संभावना है, तो इसमें रेलवे को निर्देशित किया जाएगा कि सुरक्षा व्यवस्था पूर्व से ही कर लें। और इसके अतिरिक्त रेलवे में गोला में कटान के लिए जो संबंधित विभाग है, वन विभाग और सिंचाई विभाग, इनको भी निर्देश दिए जाएंगे। हालांकि रेलवे के साथ साथ जिला प्रशासन टीम भी 24 घंटे अलर्ट है। साथ ही काठगोदाम आने वाली 11 ट्रेनों को सिग्नल ओके होने के बाद ही आने दिया जा रहा है, जिसके लिए प्रशासन और रेलवे टीम 24 घंटे लगी हुई है। उत्तराखंड के हल्द्वानी से लोकल 18 के लिए पवन सिंह कोवर की रिपोर्ट।